बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तो बार बार सदन के अंदर नीतीश कुमार अपने ही गठबंधन दल के विधायकों द्वारा घेरे जा रहे थे। बीजेपी ने धारदार तरीके से कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरा था और कई प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे। अफसरशाही को लेकर सबसे ज़्यादा सदन के अंदर बीजेपी के विधायकों ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जब बिहार में नई महागठबंधन की सरकार है तो आज शीतकालीन सत्र ये महागठबंधन की सरकार देखेगी। 17वें विधानसभा का ये 7वां जो सत्र है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां महागठबंधन बीजेपी के निशाने पर होगा वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परेशानी राष्ट्रीय जनता दल भी खड़ा करेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ महीने में देखा गया कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि को लेकर नीतीश कुमार के कई एजेंडों पर सवाल खड़े किए थे। इसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। बहरहाल सुधाकर सिंह उसके बाद भी चुप नहीं रहे और किसानों के हित में लगातार अपने ही सरकार को घेरते नजर आए। हाल के दिनों में सुधाकर सिंह ने निजी भी सदन के अंदर लाने की बात कही थी, जिसको लेकर बिहार का जो सियासत है वो भी तेज हुआ था। ऐसे में अब जब शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है तो बीजेपी जहां मूल मुद्दों के साथ नीतीश सरकार को घेरने की कवायद में जुटी है, वहीं एक बड़ा सवाल ये है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सुधाकर सिंह भी अपने सवालों के साथ नीतीश सरकार को घेरेंगे। जिस निजी बिल को लाने की बात सुधाकर सिंह ने की है, उस निजी बिल को भी लेकर जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं अपने रणनीतियों में लगी होगी कि जवाब कैसे देना है। हालांकि एक प्रचंड बहुमत है इस वक्त महागठबंधन के पास, लेकिन चुनौती जो है वो बढ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के साथ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर सदन के कार्रवाई के बीच नीतीश सरकार को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कई मुद्दों के साथ नीतीश सरकार को घेरने के लिए तैयार है, जिसमें मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, बढ़ते क्राइम और अफसरशाही को लेकर है। अफसरशाही पर सवाल आज अगर सदन में पूछा जाएगा तो उसमें सुधाकर सिंह भी होंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि बिहार में जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो निकम्मे हैं, भ्रष्टाचार से वो भरे हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो पैसे मांगते हैं। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को जनता से कहा था कि चप्पल से भी पीटा जाए। तो निश्चित तौर पर अब जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो किस तरीके से नीतीश एंड कंपनी इन जवाबों को देती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार में मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।